सीआरपीएफ और आईटीबीपी ने नगर पालिका प्रशासन के साथ मिलकर चलाया स्वच्छता अभियान। पर्यटक स्थल भदैया कुंड के गंदे पानी को किया गया साफ। जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। शिवपुरी जिला प्रशासन ने आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टीम के साथ आज स्वच्छता पखवाड़े के पहले दिन भदैया कुंड के गंदे कुंड की सफाई की। आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान जिस तरह गंदगी में उतर कर सफाई कर रहे थे वो देखते ही बन रही थी। जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में ये सफाई अभियान सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चला। चौधरी का कहना था कि हमने अब भदैया कुंड को सफाई के लिए चुना है तो अगले कुछ दिनों तक यहाँ लगातार सफाई अभियान चलाकर इसे पूरी तरह से स्वच्छ करेंगे। वहीं आईटीबीपी की टीम भी लगातार आकर इसे पूरी तरह स्वच्छ करने की बात कह रही है। आज के सफाई अभियान में सीआरपीएफ, आईटीबीपी और नगर पालिका के साथ साथ शहर के तमाम समाज सेवी भी शामिल हुए। स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है किस क्रम में चलाया जा रहा है सर, और ये कौन कौन इसमें शामिल है? देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा में एक से जैसे मुझे पता है कि 15 दिन का पूरा अभियान चल रहा है, तो उसमें आज भदैया कुंड को हमें ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि सीआरपीएफ और आईटीबीपी दोनों ने बहुत खुद से इनिशिएटिव लेकर के हम यहाँ करना चाहते हैं। वो उनकी पूरी टीम, उनके सारे अधिकारी हैं यहाँ और पूरी टीम है, नीचे देख रहे हैं उनकी कुंड में सफाई कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो नगर पालिका का दस्ता है वो भी लगा है, नगर पालिका से नगर पालिका अध्यक्ष भी और बाकी उनकी पूरी टीम है, पूरी टीम लगी हुई है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ से जिनको रुचि है वो ऐसे समाजसेवी भी हैं यहाँ, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये अब इसको यदि शुरू किया है तो हम इसे परिणति तक ले जाएँ और इस जगह को बहुत सुंदर अभी हम करें। सर, बेटर ग्रुप के द्वारा जो गणित की ये स्वच्छता पखवाड़ा जो ऑर्गेनाइज कराना है तो हमने भदैया कुंड को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे ये एक पर्यटन स्थल भी है और इसकी यहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता भी है, लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। लेकिन थोड़ा यहाँ पे गंदगी ज़्यादा होने के कारण हमने सोचा कि ये सबसे बेटर प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस होने के नाते यहाँ पे जब लोग आते हैं तो एक नकारात्मक प्रभाव पे पड़ता है, तो हमने सोचा क्योंकि ना इस टूरिस्ट प्लेस को उसको अच्छे से बनाया जाए। यहाँ पे एक टूरिस्ट रिसोर्ट भी है जिसके आसपास भी गंदगी है, तो हमारा यही प्रयास है कि हम इसको स्वच्छता मन से होती है, जैसे हम अपने घर में रोज़ सफाई करते हैं और एक दिन हम सफाई न करें तो हमें लगता है कि हमने कुछ घर में कुछ ऐसा वो सफाई का करना चाहिए। तो ये मेरा जो मानना है कि सभी आदमी को, सभी जितने भी क्या कहते हैं उन सबको स्वच्छता के लिए आगे आना चाहिए, अपने आस पड़ोस, अपने घर में। इसके साथ साथ भी हमें क्या कहते हैं जो पब्लिक प्लेस हैं या सरकारी स्थान हैं उनके आसपास भी हमें क्या कहते हैं सफाई रखनी चाहिए। इसमें सभी लोगों का जनभागीदारी की आवश्यकता है और हमारे यहाँ पे आईटीबीपी के 3 अधिकारी और 50 अन्य लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो आपको दिख भी रहा है। हमारे कुंड में सीआरपीएफ की टीम के साथ हम यहाँ पे मिलकर और सिविल प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर हम यहाँ पे इस भदैया कुंड को आज एक नया काया रूप दे, आशा करता हूँ कि हम इसको मेंटेन भी करेंगे और भविष्य में लगातार भागों में यहाँ पे हम क्या कहते हैं ये इस तरीके की ड्राइव करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।